आज जब हम भारत को देखते हैं तो दिखाई देता है कि छात्र पिटते हैं तो पुलिस खुश होती है, पुलिस पिटती है तो वकील खुश होते हैं, वकील पिटते हैं तो नौजवान खुश होते हैं, नौजवान पिट रहे हैं तो डॉक्टर खुश होता है, डॉक्टर पिटते हैं तो किसान खुश हो रहा है और किसान पिटते हैं तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी खुश होते हैं। अर्थात आम जनता के बीच इस तरह का विभाजन पैदा कर दिया गया है, इतनी नफरत फैला दी गई है कि हर आदमी एक दूसरे पर अविश्वास करके केवल टुकड़े टुकड़े में भारत को देख रहा है, जबकि आज से कुछ साल पहले हम भारत के लोग एक दूसरे के सहयोग में, एक दूसरे की मदद में अपना सबसे अच्छा आनंद और संतोष प्राप्त करते थे। लेकिन आज हम एक दूसरे को अविश्वास की नज़र से देख रहे हैं, घृणा की नज़र से देख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आरएसएस और भाजपा की जो केंद्र की सत्ता है, उस सत्ता का ये मिजाज है कि वो आपको विभाजित रखना चाहती है ताकि आप बढ़ती हुई महंगाई पर सवाल ना पूछ सकें, 1000 रुपये के सिलेंडर पर सवाल ना पूछ सकें, आप 118 रुपये प्रति लीटर हो चुके पेट्रोल पर बात ना कर सकें, आप 100 रुपये से ऊपर बिक रहे डीजल पर कोई बात ना कर सकें, आप 71 रुपये प्रति किलो CNG हो गई है उस पर बात ना करें, 175 रुपये खाने का तेल प्रति लीटर हो गया है उस पर कोई सवाल ना उठा सकें, नौजवान रोजगार के मुद्दों पर बात ना कर सके, महिलाएं अपनी सुरक्षा पर बात ना कर सके और किसान अपनी फसलों के उचित मूल्य पर बात ना कर सके। इसलिए ध्यान भटकाने की रणनीति के तहत देश के युवाओं में हिंसा, घृणा और नफरत परोसी जा रही है और इससे सीधा फायदा मोदी जी की सत्ता को है। तो साथियों, आज भारत के पास ये विकल्प है कि वो इस नफरत और घृणा और हिंसा की राजनीति के खिलाफ खड़े हो जाए। मैं हिंसा और नफरत की इस राजनीति के खिलाफ हूँ, क्या आप मेरे साथ हैं?